देश के सबसे बड़े एक्टर का बेटा कथित तौर से ड्रग्स लेते पकड़ा जाता है। पर्दे के पीछे डील होती है। अफसर कहते हैं कि 25 करोड़ दे दो वरना बेटे को जेल में डाल देंगे, जिसके बाद डील 18 करोड़ में फाइनल होती है और 50 लाख उसी वक्त दिए जाते हैं। लेकिन डील पूरी नहीं हो पाती और कहानी आगे बढ़ती है। ये डील क्या थी, किसने किससे 25 करोड़ मांगे और दिल्ली से किसका फोन आया, जिसके बाद आर्यन खान के साथ मौजूद तीन और लड़कों को कॉर्डिलिया क्रूज शिप से छोड़ा गया। आज इन्हीं सारे विचलित करने वाले तथ्यों से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में चल रहे भ्रष्टाचार की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। समीर वानखेड़े का नाम आपने पिछले कुछ दिनों से अपने टीवी या इंटरनेट पर खूब देखा होगा। इसकी वजह भी है, वो ये कि सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसी ने समीर वानखेड़े पर सुपरस्टार शाहरुख खान से पैसे ऐंठने का, या जिसे आम भाषा में कहेंगे वसूली करने का आरोप किया है और FIR भी दर्ज की है। कोई मामूली रकम नहीं है, पूरे 25 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप वानखेड़े पर सीबीआई कर रही है। आज वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा तो करेंगे कि कैसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का फर्जी केस बनाया गया और कैसे 25 करोड़ रुपये फिरौती के रूप में मांगे गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हम इस वीडियो में एक खत की बात करेंगे, एक ऐसा खत जिसे NCP के नेता नवाब मलिक ने पूरी दुनिया के समक्ष रख दिया था और ऐसी बातें कही थी जो बातें आज सीबीआई कह रही है। नवाब मलिक तो अभी भी जेल में है, लेकिन समीर वानखेड़े पर किए उनके आरोप आज भी वही मौजूद है। इंटरनेट की यही खासियत है कि आप किसी भी चीज़ को जितना मिटाना चाहो वो नहीं मिटता। वैसे ही वो खत है जिसे मलिक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाला था, वो भी अभी मौजूद है। उसी खत में से कुछ बातें हम आपके सामने रख देंगे। सुनने वालों को बता दें कि ये सभी बातें भूतकाल में घटित हो चुकी है, लेकिन आपको सिर्फ इसका एक वर्जन देखने मिला जो कि टीवी मीडिया द्वारा आपको पता लगा होगा। नवाब मलिक के द्वारा किए आरोपों को मीडिया ने इतना महत्व नहीं देना चाहा, जबकि ध्यान से देखने पर साफ पता चलता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये कहानी आम लोगों के लिए तो उस रात शुरू होती है जब कॉर्डिलिया क्रूज पर चल रही एक प्राइवेट पार्टी में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB छापा मारती है और कहती है कि आर्यन खान समेत अन्य लोग ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। आर्यन खान को हिरासत में लिया जाता है और 27 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन को जमानत मिलती है। आगे मामला कोर्ट जाता है और ये भी साबित होता है कि आर्यन खान ने किसी भी प्रकार के ड्रग्स का सेवन नहीं किया था। यहाँ तक तो कहानी सामान्य लगती है, और शायद सामान्य लगती भी अगर एक सेल्फी ने समीर वानखेड़े का खेल खराब ना कर दिया होता। ये सेल्फी तो सभी ने देखी होगी। इसमें आर्यन खान के साथ नजर आ रहा शख्स KP गोसावी है। आरोप है कि गोसावी उन चुनिंदा लोगों में से था जिनके साथ मिलकर समीर वानखेड़े पूरे मुंबई में ड्रग्स का रैकेट चलाता था। समीर वानखेड़े ने उसे ये कहकर NCB की रेड में साथ लाया था कि वो एक स्वतंत्र गवाह बनेगा। अब CBI ने जो FIR दर्ज की है उसमें गोसावी का भी जिक्र है। FIR में कहा गया है कि स्वतंत्र गवाह KP गोसावी को आरोपी व्यक्तियों के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी और यहाँ तक कि NCB कार्यालय में आने की अनुमति दी गई थी, जो नियमों के खिलाफ है। इस तरह KP गोसावी ने सेल्फी क्लिक की और एक आरोपी का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया। ये वही स्थिति थी जिसने KP गोसावी और उनके सहयोगी सनविल डिसूजा को अन्य लोगों के बीच कथित आरोपी आर्यन खान के परिवार से 25 करोड़ की राशि वसूलने की साजिश रच दी। CBI की FIR वानखेड़े के नाम पर है और कहती है कि उसने गोसावी को खुली छूट दे रखी थी। CBI द्वारा हो रहे आरोप गंभीर है, लेकिन इन आरोपों को आसानी से समझने के लिए हमें घड़ी की सुइयों को घुमाना पड़ेगा और 2021 का वो दौर याद करना होगा जब हर दूसरे दिन नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर तरह तरह के चौंकाने वाली चीज़ें जनता के समक्ष रख देते थे। नवाब मलिक के कई आरोप हैं। जब से 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई, तब से लगातार नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को बताया कि कैसे समीर वानखेड़े ने ड्रग्स कर्टेलमेंट के नाम पर झूठे केस बनाकर लोगों को फंसाने के काम किए। उनके दामाद को भी झूठे केस में फंसाया और ये तक कि मलिक की बेटी नीलोफर के फ़ोन टैप करने का भी आरोप नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की ड्रग लॉर्ड कहे जाने वाले जयदीप राणा के साथ तस्वीरें शेयर की। जयदीप राणा फिलहाल एक ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में जेल में है। अब अमृता फडणवीस ने कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि जयदीप क्या काम करते थे, उन्होंने केवल अमृता की एक शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए थे, ऐसा खुद अमृता ने कहा। यह पूरा घटनाक्रम अपने आप में ही शक पैदा करने वाला है।
खैर इसके बाद फरवरी में नवाब मलिक की एक दूसरे मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी होती है और अभी तक वे जेल में ही कैद है। भले ही नवाब मलिक जेल में हो, उन्होंने साझा किए हुए पत्र अभी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। आइए इस पत्र में लिखी कुछ संगीन बातें आपको पढ़कर सुना दें। तो यह पत्र कथित तौर से लिखा है कि एनसीपी के अधिकारी ने, जिसे समीर वानखड़े और राकेश अस्थाना की करतूतों को उजागर करना था। पत्र में लिखा है कि राकेश अस्थाना, जो कि सबको मालूम है कितना ईमानदार अफसर है, उसने समीर वानखड़े, केपीएस मल्होत्रा को साम दाम दंड व अन्य किसी भी तरीके से बॉलीवुड के कलाकारों को ड्रग मामलों में फंसाकर उन पर केस बनाने का आदेश दिया। वो दोनों ने राकेश अस्थाना की इच्छा पूर्ति के लिए काम किया। वो बॉलीवुड के कलाकारों को झूठे केसेस में फंसाना शुरू कर दिया। केसेस रजिस्टर करने के बाद केपीएस मल्होत्रा व समीर वानखड़े ने इन कलाकारों से करोड़ों रुपये की डिमांड की। वो करोड़ रुपये की उगाही करके राकेश अस्थाना को भी हिस्सा दिया। ये कहा गया है कि समीर वानखड़े अपने दोस्त और वकील आयास खान के द्वारा फिरौत की रकम लूट लेता था। आगे लिखा है कि बहुत से निर्दोष लोग को झूठे एनडीपीएस केसेस में फंसाया है। झूठे केसेस बनाने के लिए समीर ने अपनी अलग टीम बना रखी थी, जिसमें सुपरिटेंडेंट श्री विश्व विजय सिंह, आईओएस आशीष रंजन, किरण बाबू, विश्वनाथ तिवारी व जीआईओ सुधाकर शिंदे, ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे व विष्णु मीना, यूडीसी सूरज, ड्राइवर विजय अनिल माने व समीर का निजी ड्राइवर सचिव शरद कुमार शामिल है। ओटीसी कदम, सिपाही रेड्डी, पीडी मोरे व विष्णु मीना, ड्राइवर अनिल माने, ये सब लोग किसी भी आवास पर तलाशी के दौरान ड्रग प्लांट यानी ड्रग रखते हैं। वो लोगों पर झूठा केस बनवाते हैं। यदि किसी के घर से कम ड्रग प्राप्त हो जाती है तो वास्तविक ड्रग की मात्रा न दिखा के ड्रग बढ़ा के कमर्शियल इंटरमीडिएट बना दिया जाता है, जिससे उस व्यक्ति को जमानत न मिल सके। इतने बड़े आरोप करके ये व्यक्ति यही नहीं थमा। उसने 26 ऐसे वाक़यात गिनवाए, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए कि जिससे साफ होता है कि समीर वानखड़े और उनकी टीम मुंबई में ड्रग्स के नाम पर करोड़ों रुपयों का रैकेट चलाती थी। इन 26 उदाहरणों में से एक उदाहरण आर्यन खान वाली केस का भी है। इस उदाहरण में लिखा है कि आर्यन अरबाज के साथ तीन और लड़कों के नाम थे जो गिरफ्तार होने वाले थे, लेकिन दिल्ली से एक फ़ोन आने के बाद इन तीन लड़कों को छोड़ा गया। देखते हैं आर्यन खान के केस के बारे में पत्र में क्या लिखा था। लिखा है कि समीर वानखड़े को सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई बॉलीवुड कलाकार या मॉडल या सेलिब्रिटी मिलना चाहिए तो वो उसे ज़बरदस्ती ड्रग अपने पास से रख कर केस बना देता है। इस मामले में भी यही हुआ। समीर पिछले एक माह से बीजेपी के दोनों कार्यकर्ताओं यानी केपी गोसावी और मनीष भानुशाली से संपर्क में है। वो क्रूज से जितने भी आदमी पकड़े गए थे उन्हें एनसीबी ऑफिस लाया गया है। वो सारे पंचनामे एनसीबी के ऑफिस में बैठकर बनाए गए, परंतु ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा व अमीर फर्नीचर वाला को उसी रात दिल्ली से फ़ोन आने पर छोड़ा गया। इस मामले में समीर वानखड़े की फ़ोन कॉल डिटेल्स चेक की जा सकती है। इस मामले में अरबाज मर्चेंट के दोस्त अब्दुल से कुछ ड्रग नहीं मिली थी, लेकिन समीर के कहने से उस पर भी ड्रग की रिकवरी दिखाई दी गई है। तो सुना और पढ़ा आपने कितने गंभीर किस्म के आरोप समीर वानखड़े और उनके साथियों पर हुए। उससे गंभीर बात यह है कि एनसीपी के नेता द्वारा बताई गई इस जानकारी को सीबीआई ने भी बताया। इसी बीच मिडडे अखबार के फैजान खान की एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई लैप्सेस एनसीबी द्वारा हुए। हद तो तब हुई जब एनसीबी की दिल्ली की टीम मुंबई पहुंची और उन्हें आर्यन खान के अरेस्ट के दिन वाला फुटेज प्राप्त ही नहीं हुआ। कहा गया कि चूहों ने सीसीटीवी के तार कुतर दिए, जिससे वो फुटेज करप्ट हो गया। सीबीआई की टीम का तो इस थ्योरी पर खास विश्वास नहीं है। मुंबई पुलिस की एसीटी को भी ये बात मानना मुश्किल हो रहा है। इससे भी कई नए सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या समीर वानखड़े को कोई बचाना चाहता है, और इतने महत्वपूर्ण एविडेंस अपनी ही विजिलेंस टीम से क्यों छिपाए गए। खैर, इस केस में कई और राज खुलने बाकी है ऐसा मालूम पड़ता है। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और समीर वानखड़े सहित अन्य लोगों पर धमकाने, भ्रष्टाचार और एक्सटॉर्शन की आरोप लगाते हुए कहा कि वानखड़े 50 लाख रुपए घूस के तौर पे पहले से ले चुके हैं। तो ये थी पूरी कहानी समीर वानखड़े और उनके टोली की, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल के जवाब अभी तक मिलने बाकी हैं। और ये भी जानना है कि क्या सच में इस कहानी के असली विलन समीर वानखड़े है या उनके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। जैसे ही इस मामले में और चीज़ें सामने आएगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।